गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मतलब थोड़ा बहुत सर्दी है और सर में दर्द है, बाकी सब ठीक है। छठ पूजा है तो ये सब ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो आज है छठ पूजा का पहला अर्घ का दिन और मैं नहा धोवा के रेडी हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही ब्लॉग में बताया था कि इस बार हम लोग अगर ठेकुआ वगैरह नहीं बन रहा है, चूँकि रीज़न आपको पता है। बट मेरे बगल में जो फ्रेंड है उसके घर तो अच्छे से कोसी भर के पूजा हो रही है, तो मैं अभी वहाँ जाऊँगी, ठेकुआ देखती हूँ कहाँ तक बना है, कहाँ तक स्टार्टिंग है। तो होपफुली मैं वहाँ हेल्प करूँगी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट से पहले अपने बाल को ठीक करते हैं, झाड़ू लेते हैं, उसके बाद वहाँ चलते हैं। हाँ जी, ठेकुआ वगैरह तो छना गया और अभी जा रहे हैं छठ पूजा के लिए जो फ्रूट्स वगैरह चाहिए। वो लेने छठ पूजा में हम लोगों का इस बार ठेकुआ तो नहीं बना है, लेकिन हाँ फल तो चढ़ेगा ना, तो वो अर्घ देने के लिए मैं जा रही हूँ फ्रूट्स वगैरह लेने। तो चलिए आपको मार्केट दिखाते हैं छठ पूजा का। चार किलो बता। हाँ तभी तो इतनी गर्मी है, इतना ज्यादा हालत खराब है, बट क्या करें, शॉपिंग करना है। ऑलमोस्ट आधा मैंने शॉपिंग कर ली है, थोड़ा बहुत सब्जी लेना है। नहीं नहीं उतना नहीं, शॉपिंग डन। मार्केट से निकलने में हालत खराब हो जा रहा है। अभी एक चीज चाहिए जो मुझे नहीं मिला है, वही ढूंढ रही हूँ। अरे भाई निकल जाओ, तू ही चलते हैं घर। धूप देखे है आज, धूप कितना ज्यादा हुआ है। आने के बाद सूप वगैरह सजाना, फ्रूट्स धोना, सब्जियां धोना, और हम लोग जब भी घाट जाते हैं तो कोसी की तैयारी करके जाते हैं। घाट से आने के बाद तुरंत हम लोग कोसी भरने बैठ जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। मैं भी मार्केट से आने के बाद इन सारे कामों में हेल्प करने लगी थी, तो वही दिखा रही थी मैं आपको। मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये मेरा आज का आउटफिट लॉन्ग, बहुत ही प्रीटी है, वाइट कलर में, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को देखा कैसी लग रही है। मम्मी जा चुकी है, मम्मी को हम लोगों ने गाड़ी को बैठा के भेज दिया है, क्योंकि काफ़ी दूर जाना रहता है। 3 बजने वाले हैं, गाड़ी में देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, बट काफ़ी दूर है घाट घर से, तो हम लोग तो पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग इतना पहले निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बट
टाइम लगेगा, वहाँ पे है उस रूम के टेबल पे। इसमें नेट कनेक्ट कर दो हम। तो बस तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस हम लोग भाई बहन हैं, मेरे बगल वाला जो मेरे फ्रेंड लोग हैं उनकी सिस्टर वगैरह है, हम लोग ये सब जाएंगे। बाकी उनके घर की मम्मी, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, उनके घर का जो बच्चा है वो, इन सबको हम लोगों ने गाड़ी में बुक करके भेज दिया है, क्योंकि नहीं तो फिर एक तो फास्टिंग है, ऊपर से धूप है, उतना दूर चलना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, थक जाएंगे, प्यास लग जाएगा इन लोगों को, तो इसलिए। और बस अभी भाई भी आया है ऑफिस से, आज मॉर्निंग गया था करने के लिए, तो आ चुका है, नहा वहा लिया, अभी निकला, देखा आप लोगों ने, तो अभी बस रेडी होगा, इसी का इंतजाम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलरेडी सारा आउटफिट पहन के रेडी हो चुके हैं हम लोग, तो बस बिना किसी देरी के जल्दी रेडी हो जाएगा तो हम लोग निकलते हैं और चलिए चलते हैं पहला आर्ट के दिन घाट पे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब, तो बने रहिए ब्लॉग में। पूरा है ना, घर आ गए हम लोग और कुर्सी की तैयारी में जुट गए लगे हाथ। मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग का छठ पूजा होने जा रहा है,
मतलब सुबह वाला जो अर्घ होता है वो देने हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी लाइट सजी, आप पीछे देख सकते हैं। तो चलिए घाट पे चलते हैं, बहुत अंधेरा है, 3 बज रहे हैं सुबह, चलिए चलते हैं। नहीं यार, घाट के सुबह का नजारा कुर्सी भरा गया है देवता के लिए। घाट का घाट पर बैठ कर लोग इंतजार करेंगे, जब सूर्य उदय होगा तब अर्घ दिया जाएगा। इतना अच्छा, अभी सुबह से मतलब एकदम सुबह है, 3:30 4 हो रहा है, इतना अच्छा घाट का माहौल है। डिब्बू कोसी बनना रहता है, वो पहले आते हैं ताकि लोग धीरे धीरे कर साड़ी भी घर आ चुकी हूँ और पूरी तरह से थक गई हूँ। घर से बहुत ज़्यादा दूर घाट है और पैदल जाना, वहाँ पे सारा चीज़ करना, फिर आना, बहुत टायर्डनेस हो जाता है। देखिए आप 4 दिन 3 दिन का पूजा में आपको समझ नहीं आता है, बट जैसे ही पूजा ख़त्म होती है ना, सारा थकान आ जाता है। और अभी तो मतलब हालत ख़राब है, पैर इतना दुख रहा है। अब मैं कपड़ा चेंज करूँगी और मतलब रात में तो सोए ही नहीं है हम लोग, तो बस अभी आज का पूरा दिन रेस्ट होगा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और 1 साल के इंतजार के बाद फिर छठ पे जाएगा, बहुत मिस करूँगी। तो बस ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में लाती रहूँगी। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक बार फिर से जय छठी मैया।